बिलीवेबल बिकॉज आफ्टर 8 मंथ्स एवरी डे मैं यहाँ से बैठ के देखती रही हूँ कि मेरे बच्चे कब आएंगे यहाँ। हमारी मेडिकल विंग की टीम हमारे पास मौजूद थी आज, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि किसी बच्चे को कोई फीवर तो नहीं है, वॉक थ्रू गेट से बच्चे प्रॉपरली अंदर आ रहे हैं। प्लस वहीं पे हमारे पास एक और वॉलंटियर मौजूद थे जिन्होंने उनको हैंड वॉश प्रोवाइड किया, उन बच्चों ने अपने सिंक से वहीं पे हाथ धोए। क्लास में कंपलसरी है मास्क, नो मास्क नो सर्विस, नो मास्क नो एजुकेशन, फेस मास्क एंड टीचर, इसको मैं कॉमेंट ज़रूर करूँगी। फेस मास्क और टीचर का इसलिए एक बहुत ही नेगेटिव रोल एक साथ हो गया है बिकॉज हम टीचर्स और हम कोऑर्डिनेटर्स हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से हम बच्चों से बहुत सारी बातें कम्युनिकेट कर लेते हैं। मैं एक टॉपिक अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने बच्चे को देख सकती हूँ कि मेरे बच्चे को समझ आ भी रही, आइदर ही इज़ एबल टू एब्जॉर्ब इट और नॉट। ये फेस मास्क की वजह से हाँ ये ज़रूर प्रॉब्लम हुई है कि मैं बच्चों का फेस नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर दिया टूवर्ड्स आर आईज। अब हम आईज से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है जो हमारा ब्रिज अगर कहीं गैप तो नहीं हो रहा, कहीं टूट तो नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं, आंखों से मोहब्बत भेज रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा बेचैन थी, हद से ज़्यादा बहुत, बल्कि ये घर पे जाकर इधर डिस्टर्ब हो रही थी बहुत ज़्यादा ना, कि मुझे स्कूल याद आ रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। जैसे अब जैसे मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी तो लग रही थी, लेकिन ऐसे अब सेफ्टी के लिए तो लगाना तो पड़ेगा। अजीब नींद सी ऐसा लग रहा था, वज़न रखा हुआ है।